देखो भाई 346 रुपये का आ रहा है ग्रेट कैलाश का ऑर्डर मेरे पास, वैसे जाता 650 रुपये में। वो देखा 200 कहाँ का है, आर्य नगर। 405 रुपये की राइड थी और कस्टमर ने कॉल उठाया नहीं है तो मेरे को करना पड़ेगा कैंसिल। तो भाई देख सकते हो मेरे पास आई थी 147 रुपये की राइड पोर्टर पे, जिसे मैं आ चुका हूँ पिकअप करने। तो भाई कस्टमर को करते हैं कॉल। फोन काट दिया। तो भाई कस्टमर ने काट दिया है कॉल और हम ले ले। हमने कर दिया भाई कैंसिल, नहीं उठा तो भाई मत उठाओ। तो भाई देखो 99 रुपीज़ का उठा रहे थे भाई, क्या करें उठाना। चलो भाई गाजियाबाद। कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा था तो मैंने कर दिया वो कैंसिल, अब उसका वेट थोड़ी करेंगे भाई हम कस्टमर का कि कब कॉल उठाएगा कब। भाई हम आ चुके हैं लोकेशन पर और कस्टमर को करते हैं भाई कॉल। हेलो, हाँ भाई मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। लोकेशन पे कुछ नहीं दिख रहा, लोकेशन पे तो भाई मेरे को साइज ओवर साइज दिख रहा है ऑर्डर। तो भाई मुझे नहीं लगता है जा पाएगा और इसको कर लेते हैं हम कैंसिल। मेरे हिसाब से तो गुडविल अप्लाई होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और ये कर दिया मैंने कैंसिल। तो भाई ये कर दिया मैंने कैंसिल क्योंकि भाई गद्दी फाड़ देता मेरी और मेरे को कोई फायदा नहीं था इसमें। तो भाई गुडविल मिल गया है मुझे और मैंने इसलिए भाई ये पिकअप नहीं किया क्योंकि ये गद्दी फाड़ देता, कुछ नहीं था। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है हमारे पास कोई। हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो आ ही नहीं पाएगा, वो गद्दी फाड़ देगा यार, उसे नीचे रखने के लिए कुछ है भी नहीं वैसे। हाँ भाई वो गद्दी फाड़ देगा, वैसे भी नहीं है ना, दो साइज में बनवा रखा है आपने तो गद्दी फाड़ देगा भाई, वेल्डिंग हो रखा है। कस्टमर को दिखना चाहिए, ये हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे थे, ऐसे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो राइडर उठा भी लेता है, मैं भी उठा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई कहने का मौका नहीं देता कस्टमर को कभी भी। तो भाई देखो मेरे पास आ रहा है मोहन नगर का और टीला मोड़ से उठाना है। तो भाई मैंने कर लिया है एक्सेप्ट, वो करते हैं भाई इसको पिकअप, देखते हैं लोकेशन इसकी। कंटिन्यू, वही यहीं पर खड़ा हूँ मैं। ओके वाह, ये मेरे पास पहली बार ऑर्डर आया जिंदगी में ऐसा। तो भाई कस्टमर को करते हैं कॉल और मेरे को पता भी था मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हेलो, हाँ भैया ऑर्डर बुक क्यों किया आपने? लोकेशन पे खड़ा हूँ भाई साहब मैं। ये देखो ये पार्सल, और देखो ये ओवर साइज भी ज़्यादा है, पर क्या करूँ मैं, दो ऑर्डर मेरे पहले से मिस हो चुके हैं यार, और ये तीसरा अगर मैंने कैंसिल कर दिया ना तो मेरे अकाउंट पे डिलीट लग जाएगा और मेरी आईडी कुछ टाइम के लिए ये बंद कर देगा। मतलब ऑर्डर तो आएंगे पर वो अगर कोई नहीं उठाएगा तब मेरे जाके मेरे पास आएगा, नहीं तो ऑर्डर किसी और के पास चला जाएगा। तो भाई देख सकते हो ये भी मेरे पास ओवर साइज पार्सल है और भाई मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने दो ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर दिए थे, जिसमें से मुझको एक में से गुडविल भी मिल चुका है और दूसरे में भाई मुझे कुछ नहीं मिला था। अगर भाई मैं तीसरा कैंसिल करता ना तो भाई मेरा डिलाइट लगा देते कुछ टाइम के लिए, जिससे कि मैं मेरा टाइम ही बर्बाद होता और कुछ फ़ायदा नहीं था। तो अब मैंने सोचा यार क्या करें, करते हैं भाई इसको डिलीवरी, बाकी यार ये कस्टमर को देखना चाहिए। तो भाई हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर और पार्सल करते हैं ड्रॉप, और भैया है लोकेशन। तो भाई पेमेंट आ चुकी है हमारे पास और इसको करते हैं हम कंप्लीट राइड। तो भाई ये हो चुके हैं कंप्लीट राइड, 184 की राइड थी। देखो भाई 346 रुपये का आ रहा है ग्रेट कैलाश का ऑर्डर मेरे पास,
और भाई मैं तुरंत ही पिकअप कर लिया। ओए यार ये चला गया गया यार, चलो कोई बात नहीं दूसरा आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो भाई देखो 447 रुपए की राइड आ चुकी है मेरे पास रोहिणी की। तो चलते हैं भाई पिकअप लोकेशन पर। और पिकअप लोकेशन की बात करें तो 2.8 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन रहने वाली है। तो भाई ये है पार्सल, देखो धक्का भाई का पार्सल रेडी है। भाई ये पार्सल तो आपका साइज बड़ा है। हाँ जी, पार्सल का साइज तो बड़ा है। तो इसका होगा क्या, कैसे जाएगा तो? देखो भाई कस्टमर से बात करते हैं। ऑफिस बंद करके निकल ही रहा था, बस यही देना था इसलिए कहूँ। 5-7 किलोमीटर का हो तो बंदा छोड़ दे। ये वो आपका काम आप बताओगी। अभी दो ऑटो कैंसिल करके आऊँ मैं ऐसे। मैं बोल रहा हूँ 500 दे दूँगा, जो हो रहा है उससे एक्स्ट्रा दे दूँगा 500। 450 तो लगी रेस पे। तो 500 दे दूँगा मैं आप लिया। चलो भाई ठीक है। वैसे जाता 650 रुपये में। देखो आपका दाम आप जानते हो, पर वो ये ना कि मैं तो फर्स्ट टाइम बुक करी है, मैं तो गाड़ी बुक करी है, मेरे आज पहली बार कम जा रहा है। ट्रिप करते हैं भाई स्टार्ट। और इसका किलोमीटर डिस्टेंस कितना हुआ? ठीक है जी, हो गया ना। ठीक है भाई, हो गया। जो ड्रॉप लोकेशन है 42 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैंने कस्टमर से बात किया, भाई देखो ये इतना बड़ा पार्सल है ना, और दो पार्सल मैं पहले ही कैंसिल करके आ चुका हूँ और एक पार्सल मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ, इतना ही ओवरसाइज। और ये चौथे ही राइड है मेरे पास जो भी ओवरसाइज है। कंपनी क्या खिलवाड़ कर रही है भाई राइडर के साथ। 3-4 किलोमीटर पिकअप करने जाता है बंदा, और उसके बाद क्या होता है कि उसे ओवरसाइज पार्सल मिलता है और उसे करना पड़ता है कैंसिल। और कैंसिल करने का भी देखो ऑर्डर कंपनी जो है गलती राइडर की निकाल देती है, कस्टमर की नहीं निकालती। कैंसिल क्यों किया आपने बताओ? अरे भाई जी वो ओवरसाइज होगा तो कैंसिल ही करेंगे ना। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो भाई हम आ चुके हैं लोकेशन पर और कस्टमर को करते हैं भाई कॉल। सर ये जो मंदिर है ना, यहाँ मंदिर के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, आराम से ले। तो भाई पेमेंट आ चुकी है हमारे पास, रोड ट्रिप करते हैं हम एंड। तो ये देख सकते हो भाई 447 रुपये की राइड थी, 50 रुपये कस्टमर एक्स्ट्रा दिए क्योंकि उनका पार्सल बड़ा था। तो भाई ये मेरे को डिलीवरी करना पड़ा, अगर मैं डिलीवरी नहीं करता तो भाई मेरे पर डिलाइट लग जाता। तो भाई देख सकते हो ये 500 रुपये आ चुके हैं हमारे पास। तो भाई मेरे पास आई है क्वार्टर पर राइड 101 रुपये की। तो चलते हैं भाई पिकअप करने। और पिकअप लोकेशन की बात करते हो 1.2 किलोमीटर है। तो भाई हम आ चुके हैं पिकअप लोकेशन पर और ये है पिकअप लोकेशन। तो भाई देखो पार्सल में क्या है, मीटर गाड़ी का, और ये करना है हमें ड्रॉप। तो चलते हैं भाई फटाफट करते हैं इसको ड्रॉप, कर लेते हैं हम स्टार्ट। ड्रॉप लोकेशन की बात करें तो देखते हैं भाई कितना किलोमीटर की है, 5.2 किलोमीटर। और ये देखा भाई आपको गाइस, ये देखो ये क्या हुआ, और ये निकालना पड़ेगा भाई मुझे, मुश्किल ही नहीं कर पाएगा ये। और मुझे नहीं लगता है, अरे देखो भाई खराब हो चुके हैं बिल्कुल ही, क्या ही करे इसको। और बताओ यार इसका क्या करे, बताओ, देख रहे हो भाई ये निकल चुकी है और ये देखो किसके इसके अंदर बिल्कुल ही फंस चुका है। तो कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा, निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ निकल गया भाई, ये समझ में नहीं। अब इसका क्या सीन हुआ, एकदम से टूट गया यार ये भाई, ये तो जैक तोड़ देता मेरा। शुक्र मानो गाइस मेरे फ़ोन को दिक्कत नहीं हुई, ये लीड ख़राब हुई है कोई बात नहीं, बट मेरा फ़ोन ठीक है, किस्मत अच्छी थी मेरी जो ये ख़राब नहीं हुई। किस नाम से राइड है? ठीक, वंशी एरी ने सामने बोर्ड लगा हुआ है, वंशी का आटा चक्की पता नहीं, मैं भी नया ही हूँ, मेरे को भी हाजी पता चला, मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। 101 हो गया। ठीक है थैंक यू। तो भाई पेमेंट आ चुकी है हमारे पास और राइड करते हैं कंप्लीट। और जब तक फ़ोन में बैटरी है भाई हम तब तक ही राइड कर पाएंगे अब, क्योंकि वही लीड ख़राब हो चुकी है। और भाई ये अभी चल जाएगा बस वैसे, पर वही है ना कि जब काम का टाइम होता ना कि मेरे को ऐसी लोकेशन पर फेंक देगा जहाँ से मेरा आना मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता
कि मैं धक्के खाता हुआ घर पे जाऊँ। क्या बात कर रहे हैं? तो इसलिए भाई अपने टाइम से चले जाएंगे और ये करते हैं हम ट्रिप एंड। तो ये ट्रिप होगी एंड, देखते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास अब कितनी देर में आता है। वो देखो 200 कहाँ का है, आर्य नगर। अरे था भाई छोड़ेंगे नहीं हम। रजनी गुप्ता हॉस्पिटल कहाँ पे है? 1.3 किलोमीटर का दिखा रहा है गाइस। ठीक है चलते हैं भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा ना। तो भाई हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर, कस्टमर को करते हैं भाई कॉल। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यक्त। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। माइनिंग नंबर देख रहे हो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। भाई देखो जिससे पहले मेरे पास मैंने वहाँ पिकअप किया था उनका नंबर है मेरे पास, उनके पास कर लेता हूँ कॉल। हाँ भाई ये पोर्टल से सामान ले गया था आपसे। भाई मैं ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गया पर जो ये आपने दो नंबर डाला क्या इसमें तो कोई सा भी पिकअप नहीं कर पा रहे, क्या चक्कर है? मैं कॉल कर देता हूँ। ओके भाई। हेलो। हेलो हाँ जी भैया, गली नंबर 3 में खड़ा हूँ मैं, सन्नी हुड्डा है ना जो आर्य नगर, उसके सामने खड़ा हूँ। ठीक चलो भाई, यही था वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों नंबर ट्राई कर रहे ना तो हो गए 2-3 मिनट तो हो गए। तो वही पेमेंट आ चुकी है हमारे पास और ट्रिप करते हैं हम एंड। तो वही देख सकते हो ये 249 रुपये की राइड थी और जो कर दी हमने कंप्लीट। और वही देखते हैं अब वापसी जाने का मेरे कोई समाधान मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो भाई चलते हैं यहाँ से, तो देखते हैं भाई दूसरी राइड का। तो भाई देख सकते हो 405 रुपये की राइड थी और कस्टमर ने कॉल उठाया नहीं है तो मेरे को करना पड़ेगा कैंसिल। तो यहाँ पे गए और ये करा मैंने कैंसिल, अप्लाई था बुकिंग, ठीक है। तो भाई ये हो गया कैंसिल। तो ये देखो ये होगा कैंसिल। तो ये होगा कैंसिल और हम चलते हैं भाई अब घर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी, तो आपका स्वागत है न्यू वीडियो में एंड अनदर वीडियो। तो भाई आज की अर्निंग की बात करें तो मेरी 1034 रुपये की अर्निंग टोटल, जो कि मैंने 4 घंटे 45 मिनट में 4 राइड कंप्लीट कर दिए। और भाई मेरी अर्निंग ज़्यादा ही हो जाती क्योंकि एक तो मेरी डाटा केबल ख़राब हो गई थी, ऊपर से मेरे 2-3 ऑर्डर कैंसिल भी हो गए। अगर टोटल तेल का खर्चा निकाल के बात करें तो भाई मेरे को 800 रुपये बचे हैं 4 घंटे 45 मिनट में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।